दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम रूपम एंड आप सभी का स्वागत करता है रूपम ब्लॉग्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले दो ऐसे स्कूटर्स के बारे में जिसमें से एक रिसेंटली लॉन्च हुई है, TVS Ntorq रेस एक्सपेडिशन एंड अप्रिलिया स्टॉर्म 125। दोनों ही 125 सीसी सेगमेंट की स्कूटर है। एंड आप लोग का अगर कंफ्यूजन है कि यार दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, इसी कारण से आप YouTube पे आए हैं एंड YouTube पे सर्च कर रहे हैं दोनों गाड़ियों की डिटेल्स। तो आपने अगर ये वीडियो क्लिक किया तो आप सही जगह क्लिक किया। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं TVS Ntorq रेस एक्सपेडिशन एंड अप्रिलिया स्टॉर्म 125 में से कौन सा बेहतर है, कौन सा लेना सही है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर माय एडिट एंड शूट। वहाँ से कुछ भी परचेस करेंगे तो चैनल को काफ़ी हेल्प होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में नो डाउट आपको TVS Ntorq 125 रेस एक्सपेडिशन ज़्यादा बेटर देखने मिलता है। ये एग्रेसिव लुक के साथ तो आ ही रही है। यहाँ पे पेंट स्कीम बहुत अच्छी है, ट्राई कलर दिया गया है, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक एंड रेड, बहुत अच्छा मिक्सचर किया गया है। इवन जो इसके व्हील्स है वो आपको रेड पैटर्न में देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लस पॉइंट एक और है, यहाँ पे आपको LED हेडलाइट देखने को मिलता है विद LED DRLs। इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल्स दिए गए हैं एंड जो टेल लाइट है वो आपको मिलता है LED सेटअप। इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन। फ्लैट सीट दिया गया है एंड यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन। लुक वाइज देखेंगे तो यस, Ntorq इज मच बेटर। वही अगर अप्रिलिया स्टॉर्म 125 की बात करें तो ये कलर कॉम्बिनेशन इसके काफ़ी अच्छा है, स्टॉर्म टाइप का है। व्हील्स काफ़ी आपको मस्कुलर देखने को मिलते हैं, काफ़ी रेडियल देखने को मिलता है। फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट, पहले ये टू पीस हेडलाइट में आता था लेकिन अब ये सिंगल पीस हेडलाइट हो चुका है एंड ये हेलोजन हेडलाइट है। इसमें इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन देखने को मिलता है, इवन जो टेल लाइट है वो भी आपको हेलोजन देखने को मिलता है। फ्लोर बोर्ड काफ़ी फ्लैट है लेकिन स्पेस काफ़ी कम है दोनों गाड़ियों में। सिंगल सीट ऑप्शन देखने को मिलता है। पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, फुल्ली डिजिटल नहीं है एंड ना ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। वही अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे Ntorq और आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स की बात करते तो सबसे पहली चीज़ तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता ही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलता है, वॉइस कमांड सिस्टम देखने को मिलता है जो कि इस गाड़ी को अलग बनाता है। स्टॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, बहुत बेसिक गाड़ी है। अप्रिलिया के नाम के कारण ये गाड़ी थोड़ी महंगी बेची जाती है भारतीय बाजार में। अब सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं इसके इंजन, क्योंकि जो लुक वाला पार्ट है वो एक सब्जेक्टिव पार्ट है। अगर किसी को लेना है तो किसी को स्टॉर्म पसंद आती है, किसी को Ntorq पसंद आती है, तो ये एक शौक के ऊपर है। इंजन की बात करें तो TVS Ntorq 125 रेस एक्सपेडिशन में काफी बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, सीधे सीधे विनर है बोल सकते हो। 10 bhp का पावर आउटपुट देखने को मिलता है, 7000 rpm है, 10.5 न्यूटन का टॉर्क देखने को मिलता है, 5500 rpm है। वही अप्रिलिया की बात करें 9.5 bhp का पावर आउटपुट निकालता है, 7500 rpm है एंड 9.6 न्यूटन का टॉर्क निकालता है, 5500 rpm है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो TVS Ntorq अब ज्यादा बेटर है। पहले थोड़ी लैग करती थी लेकिन अब इस वाली गाड़ी में लिटरली धो डाला है। प्लस यहां पे दो मोड भी देखने को मिलता है, स्ट्रीट एंड रेस मोड, जो कि आपको अप्रिलिया में नहीं देखने को मिलता है। साइकिल पार्ट्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान लोग कम देते हैं जबकि देना चाहिए, साइकिल पार्ट्स की बात करें तो सस्पेंशन आपको दोनों गाड़ियों में टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन। वही अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, ऐसा आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। टायर्स की बात करें तो यस, दोनों ही गाड़ी में आपको 12 इंच के आपको टायर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे TVS का जो टायर है वो 100 सेक्शन का फ्रंट है एंड 110 सेक्शन का रियर है, लेकिन यहाँ पे अप्रिलिया स्टॉर्म आगे निकल जाती है बिकॉज उसमें बटन टायर्स है एंड 120 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 130 सेक्शन का रियर टायर है, तो ये काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है अप्रिलिया इन हाईवे क्रूजिंग एज वेल एज कॉर्नरिंग। इवन आपको अप्रिलिया में एक सेटअप भी है कि अगर आपको ड्रम ब्रेक लेना है तो वो भी आप वेरियंट ले सकते हैं, लेकिन रेस एडिशन में अभी फिलहाल डिस्क ब्रेक ही है, लेकिन अपकमिंग बहुत जल्द इसका ड्रम ब्रेक भी आ जाएगा। वही अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, अप्रिलिया का प्राइस स्टार्ट होता है 88,711 रुपीज से 94,241 रुपीज तक इसका एक्चुअल प्राइस आता है। वही रेस एक्सपेडिशन का सिर्फ प्राइस है 83,275। ये सारे मैं एक्शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस सिटी टू सिटी डिफर होता है, इसलिए हर रिव्यूअर और हर चैनल वाला आपको एक्शोरूम प्राइस ही बताएगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो फीचर सब कुछ, अगर मैं प्राइस देखे, अगर मेरे को ज़्यादा फीचर मिल रहा तो लिटरली हर कोई अब TVS Ntorq ही परचेस करेगा। तो मेरा सजेशन भी आप लोग को यही है, थोड़े पैसे बचा के अगर ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है तो आप उस गाड़ी को ही चूज़ करिए। और TVS अच्छी गाड़ी है ऐसा नहीं है, Ntorq भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद है, इवन इसका साउंड भी काफ़ी लोगों को पसंद है। तो दैट्स वाई मैं आपको यही रिसर्च करूँगा कि हो सके तो TVS Ntorq रेस XP एडिशन को एक बार ट्राई ज़रूर करिए।
कैसे लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक जो मैं यूज करता हूँ, वहाँ से कुछ भी परचेस करेंगे तो इस चैनल को काफी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।